जत्था आ गया है हमारे पीछे साइड देख सकते हो, तो हम दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मला नेगी, मैं देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले के एक छोटे से गांव रुतमाली गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी ब्लॉग। दोस्तों आज हमारे यहाँ है मेला, साल में एक बार आता है गुरु पूर्णिमा के दिन। बहुत खुश है ऊपर माता रानी के मंदिर में, तो मम्मी सुबह सुबह दूध पहुँचाने के साथ साथ माता रानी के मंदिर गई है। मैं घर का काम काज कर रही हूँ क्योंकि हम मेले में जाएंगे तो शाम को अपने जो हमारे घर में मेहमान है गाय बकरियाँ उनका पूरा भी करना पड़ता है। गाय खोल रखी है और घर का काम कर रही हूँ, साफ़ सफाई वगैरह, और गाय बकरियाँ खोल के उनको भी देख रही हूँ साथ साथ घर का काम भी, क्योंकि एक बज जाएगा तो उसके बाद हम जाएंगे माता रानी के मंदिर में मेले में। तो हम हैं माता रानी के जो माँ अखलतानी है उनके ससुराल वाले, और जो सामने में है कोट लास्ट वाली धारी जहाँ पर बादल लगे हुए हैं अंधेरा अंधेरा सा, तो वहाँ है कोट, उससे उधर साइड है बसान। तो उन्हें माता रानी के जो अखलतानी मैया है उनके मायके वाले कहा जाता है वहाँ। तो उन दोनों गांव से झांकी आती है अलग अलग, एक आएगी नीचे रास्ते से और एक आएगी ऊपर रास्ते से, बसान वाली ऊपर और कोट वाली नीचे पहाड़ियों से होते हुए इस पहाड़ी से। तो वहाँ से माता रानी के जो वस्त्र होते हैं लहंगा चुनरी वगैरह वो सब लेके तो ऊपर मंदिर में लाते हैं। उसके बाद माता रानी अवतरित होती है, फिर डोले में बैठती है, तो आपको दिखाएंगे, मेरे ब्लॉग पे एंड तक बने रहिए। तो मम्मी भी आ चुकी है मंदिर से, तो मैं अभी गाय को लाने जा रही हूँ, तो फिर नाश्ता वगैरह आज किया नहीं है, तो दोपहर का खाना भी और सुबह का नाश्ता भी एक ही साथ कर लेंगे। तो फ्रेंड अभी हम लोग निकल गए हैं मातेश्वरी और मैं मंदिर के लिए। मम्मी जी क्या हुआ, पता लग गया मम्मी को अभी से थकान लग गई है, तो चलते हैं और फिर वहाँ से झांकी के साथ ले जाएंगे आप लोगों को, तो अपनी यहाँ की झांकी जत्था दिखाएंगे। कोट हम जा रहे हैं कोट वाले जत्थे के साथ जो नीचे से आता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूं यहां पर अपने मतलब टॉप एरिया पर, यहां पर अभी जत्था रुकेगा। हमारा घर है उधर साइड और मंदिर है ऊपर साइड, तो यहां से जत्था जाएगा। इतनी जल्दी पहुंच गए ना मंदिर जाने से पहले, हम यहां पर विश्राम कर रहे हैं पहाड़ी पे। यहां पर होलिका दहन भी होता है इसी पहाड़ी पर, तो धूप लग रही है। मम्मी ने अपना वाला स्टॉल ओढ़ दिया, इस तरह माँ बेटियाँ बैठी है। जत्था आ गया है हमारे पीछे साइड देख सकते हो, तो हम इनसे आगे आगे जा रहे हैं, तो इनके साथ गीत भी दिखाते रहेंगे आपको। अभी हम पहुंचे हैं पोखरी बूरा, सबसे ऊपर हमारे यहाँ चाचा लोग का घर है, तो यहाँ पर सारे पानी वगैरह पी रहे हैं। गांव में नीचे साइड भी है और यहाँ पर भी पानी पी रहे हैं जो लोग आए हैं जत्थे से, और यहाँ पर मम्मी खड़ी है। सर जत्थे के मतलब जितने वीडियो बनाए उतने कम है, तो आगे हैं जत्थे के आगे आगे यहाँ से आगे। पर देखो ऐसे बैठे हुए हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हो मंदिर की सीढ़ियाँ को अब
हम चढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं पैदल इन सीढ़ियों से। तो ये है हमारा भूटानी का मेला। तो ये मम्मी है, क्या है फोटो खींचनी है। तो हम अंदर मंदिर के दर्शन करके आते हैं ऋतु के साथ। अभी हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो हमारी बहन लोग सब साथ में हैं। अंदर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। कोई दिख रहे हैं क्या? सबके सारे सब दिख रहे होंगे। यहाँ ना अंदर दर्शन करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। सबके सारे होंगे, मैं तो आ गई दर्शन करके। उधर वाली सीढ़ियों से आए और इधर वाली सीढ़ियों से हम जा रहे हैं नीचे की ओर। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं नीचे, तो हम मंदिर से नीचे को जा रहे हैं नीचे की ओर। वहाँ पर झोड़ा वगैरह भी होता है और वहीं से डोला उठेगा, तो आपको वहाँ की प्रक्रिया दिखाएंगे। और मेरी बहन है ये, एक से एक बन ठन के आई है आज। तो यहाँ पर होने लग गए हैं लेडीज के झोले। तो आ चुका है हमारा छोटा भाई रानी झंडे के साथ। अब आगे तो आ रही है कपड़े वगैरह पहन के, उसके बाद थोड़ा आगे जाके डोले में बैठेंगे, मतलब रथ में। Yeah.
नाइस अराउंड लग रहा है यहाँ पर, और हम लोग इन्हीं से दर्शन कर रहे हैं। और सबके पाँव दिख रहे हैं हम लोग, अगर कोई धक्का मारेंगे ना हम उल्टे हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा हमारा, क्योंकि आगे देखो ऐसे खड़े हैं। यहाँ पर अभी तक चल रहे थे तो सही था, लेकिन आपको कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, पहाड़ी कल्चर की वीडियो, पहाड़ी मेले की वीडियो? अगर अच्छा लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और एक वीडियो के लिए लाइक तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। फिर मिलूंगी मैं ऐसे अगले नए व्लॉग के साथ, पहाड़ी कल्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। तो अगर पार्ट 1 बनेगा तो 1, 2 बनेगा तो 2, दोनों देखने पड़ेंगे आपको।